गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे साइंस रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शेप ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। पहले मैं सोचता था इलेक्ट्रॉन्स मूव रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स डू अराउंड द सन। जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं एक पैटर्न में अराउंड द सन, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी अराउंड द न्यूक्लियस इसी फैशन में घूमते होंगे। लेकिन मैं गलत था। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स एक रैंडम पाथ फॉलो करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि हमें आगे चीजों को समझने में मदद करेगा। मैंने एक वाटर टैंक लिया, उसके साथ एक वाइडर डायमीटर वाली पाइपलाइन जोड़ दी, दूसरे वाटर टैंक के साथ नैरो स्मॉल गैप वाली पाइपलाइन को हमने जोड़ दिया। उसके बाद हमने जो पानी दोनों में से जो पानी बाहर निकला उसके फ्लो को हमने ऑब्जर्व किया। पहले वाले केस में जिसमें पाइपलाइन का डायमीटर बड़ा था, जो पानी का फ्लो था वो ज़्यादा यूनिफॉर्म था और इसकी डायरेक्शन ज़्यादा डायरेक्टेड थी, जबकि जिसमें स्मॉल गैप था उसमें डायरेक्शन में ज़्यादा हमें डिविएशन देखने को मिली। पानी का जो फ्लो था वो फैल गया, स्प्रेड आउट हो गया। देखिए पहले वाले केस को समझिए, इसमें वाइडर गैप था, गैप ज़्यादा था, तो पोजिशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी, पानी की पोजिशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी, लेकिन इसकी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा देखने को मिली, डायरेक्शन में सर्टेनिटी बढ़ गई। जबकि दूसरे केस में स्मॉल गैप था, पानी की पोजीशन डिटरमाइन करने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो ज़्यादा हो गई, लेकिन डायरेक्शन की डिविएशन बढ़ गई, डायरेक्शन को फाइंड करने की अनसर्टेनिटी बढ़ गई। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं, एक चीज़ को अगर हम पाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ की अनसर्टेनिटी बढ़ जा रही है। अगर दूसरी चीज़ को हम ज़्यादा लाइकलीहुड है उसका फाइंड करने का, तो पहली चीज़ में अनसर्टेनिटी बढ़ जा रही है। यही एक्सपेरिमेंट हमने इलेक्ट्रॉन बीम के साथ किया। इलेक्ट्रॉन बीम को पहले एक वाइड गैप में से पास करके देखा और दूसरे केस में नैरो गैप में से पास करके देखा। जब हमने वाइड गैप में से पास करके देखा तो हमें डायरेक्शन ज़्यादा प्रिसाइज देखने को मिली, हमें पता लगा कि यहीं पे जाके टकराएगा, जबकि जो गैप था ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इस गैप में या यहाँ पे है। इसमें पोजिशन में अनसर्टेनिटी बढ़ी रही, एक्यूरेसी कम थी, लेकिन डायरेक्शन में हमें एक्यूरेसी ज़्यादा देखने को मिली। जब मैंने गैप कम कर दिया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है उसका गैप कम कर दिया, तो मैंने देखा कि वो जहाँ पे टकराए स्क्रीन में वो डिविएशन ज़्यादा देखने को मिली। यहाँ पे स्ट्रेट भी टकराए, टेढ़ा भी टकराए, ये डिविएशन मुझे ज़्यादा देखने को मिली। तो पहले वाले केस में पोजिशन लेस एक्यूरेट थी लेकिन डायरेक्शन मोर एक्यूरेट थी। दूसरे वाले केस में गैप को मैंने कम कर दिया तो पोजिशन मैं अच्छे से डिटरमाइन कर पा रहा था कंपेरेटिवली डायरेक्शन के मुकाबले, डायरेक्शन में एक्यूरेसी कम हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की डायरेक्शन की वो कम होती चली गई। चीज हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है, वी कैनॉट डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। आप दोनों चीजों को एक साथ इतनी एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आप एक चीज पाना चाहोगे तो दूसरी चीज को खो दोगे, उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। अगर आप दूसरी चीज को पाना चाहते हो तो पहली चीज में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। ऑल्दो द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ टाइनी एंड कॉन्फाइंड स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस बट वी कैन नेवर डिटरमाइन इट्स एग्जैक्ट पोजीशन। एग्जैक्ट लोकेशन हम उसकी डिटरमाइन नहीं कर सकते, सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे लाइकलीहुड ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का बजाय दूसरी लोकेशन के। प्रोबेबिलिटी बताता है कि लाइकलीहुड क्या है किसी भी इवेंट के होने का। जहाँ पे लाइकलीहुड ज़्यादा होगा वही शेप बना देता है कि इस शेप में इस लोकेशन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अब देखिए अगर आप पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहते हो तो यू लूज डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, ज्यादा डिविएशन आ रही है, यानी कि वेलोसिटी में ज्यादा डिविएशन आ रही है एंड उसकी काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा डिविएशन आ रही है। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी में अगर हमें ज्यादा डिविएशन देखने को मिल रही है तो एनर्जी में भी ज्यादा डिविएशन देखने को मिलेगी। तो एक चीज को पा रहे हो दूसरी चीज को खो रहे हो। हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रोबेबिलिटी उनकी ज़्यादा है, कहाँ पे वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वो किस तरीके से पता लगाते हैं? साई डिस्क्राइब्स द वेव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन एक तरह से वेव इक्वेशन है जो कि वेव बिहेवियर को, इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को कंसिडर करती है कि इसके इस बिहेवियर की वजह से इसकी यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे लोकेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑर्बिटल पाथ इज द स्क्वायर ऑफ वेव फॉर्म साई। जो ऑर्बिटल पाथ है कि किस पोजिशन में उसकी लोकेशन क्या होगी उसकी घूमने की, वो स्क्वायर ऑफ साई वेव फॉर्म इसका स्क्वायर होता है। एंड साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड ऑफ हैपनिंग एन इवेंट डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम।
देखिए, न्यूक्लियस से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की, उतना वॉल्यूम, एरिया इनक्लोज्ड इनटू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये उसकी पूरी वॉल्यूम बन जाएगी। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाती है, तो वॉल्यूम एनक्लोज्ड बढ़ती जाएगी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उसकी रिड्यूस होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर हायर एनर्जी लेवल में आपको देखने को मिलेंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज जीरो, तो न्यूक्लियस में तो वो जीरो होगी। और जैसे जैसे थोड़ा डिस्टेंस उसका बढ़ता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर उसकी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, लेकिन उसके बियॉन्ड 52 पिकोमीटर्स के बियॉन्ड जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट। अब देखिए ऑर्बिटल्स की हम शेप डिटरमाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ऑर्बिटल क्या चीज है, इसको लेके मैंने वीडियो भी बनाया है, शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, उस पर आप देख लीजिए, सारी डिटेल आपको समझ आ जाएंगी, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए समझते हैं ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल एक थ्री डायमेंशन स्पेस है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो लाइकलीहुड है वो सबसे ज्यादा होता है, वही ऑर्बिटल होता है। आप देखिए सब लेवल, एनर्जी लेवल के अंदर सब लेवल्स होते हैं, सब लेवल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ले सकते हैं। एस सब लेवल पे आपको एक ऑर्बिटल देखने को मिलता है, पी सब लेवल पे आपको तीन, जी पर पांच और एफ पर सात। अभी नहीं ऑर्बिटल्स को हम देखेंगे, इनकी शेप किस तरह की होती है। पहली बात करता हूं मैं एस सब लेवल, जिसमें एक ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, हर जगह न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यूनिफॉर्म है, बराबर है। दैट इज वाई वी हैव स्फेरिकल ऑर्बिटल सब लेवल। जो ये एस सब लेवल में जो एक ऑर्बिटल होता है, उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी लोकेशन में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं पी सब लेवल की बात करता हूँ। पी सब लेवल में हमें तीन ऑर्बिटल्स, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये डंबल शेप के होते हैं और आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। देखिए ये इसको पी एक्स बोलते हैं, इसमें जो डंबल शेप है वो एक्स एक्सिस के अलाइंड है, इसमें वाई एक्सिस के अलाइंड है तो उसको पी वाई बोल दिया, और इसमें जेड एक्सिस के अलॉन्ग अलाइंड है इसको पी जेड बोल दिया। ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं इनके एनर्जी लेवल सेम होते हैं, ये जो तीनों हैं आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। पी सब लेवल में तीन ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, उनकी शेप डंबल शेप होती है। इस डंबल शेप के अंदर यहाँ पे फाइंड करने की, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब बात करता हूँ डी सब लेवल की। डी सब लेवल में पांच ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, ये क्लोवर शेप्ड, आप देखिए इस तरीके से, इसको डी एक्स वाई बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है, इसको डी जेड एक्स बोलते हैं, और बाकी के दो ये रहे। तो सबसे इंटरेस्टिंग है वो मुझे ये देखने में लगा, देखिए ये डंबल शेप्ड है और इसके अलोंग एक डोनट शेप भी बनी हुई है। इन दोनों शेप्स जो आपको दिख रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो डी सब लेवल में हमें पांच ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं और इनकी शेप्स कुछ इस तरीके से जो हमने अभी देखी। अब बात करता हूं मैं एफ सब लेवल्स की, जिसमें सात ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं। मैं वो उस तरीके से बना नहीं पाया तो मैंने पेज पर बना दिया और फिर इसको अपलोड कर दिया। चलिए देखिए इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आपको ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं। अब समझने की बात ये है, देखिए जितनी एनर्जी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं उसमें जो शेप्स हैं इनकी, ऑर्बिटल की शेप जो है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अभी देखिए दो डोनट्स हैं इसमें और बीच में इसके अंदर डंबल शेप है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये जो शेप्स हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस से इनका। और अगर आप हाई एनर्जी लेवल्स में जाएंगे, यहाँ पे डी सब शेल्स और एफ सब शेल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे जो शेप है वो यही रहेगी लेकिन इनका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ शेप ऑफ एन एटम की, हम एटम की शेप जो है वो एक सर्कुलर शेप की क्यों बना देते हैं। देखिए अब ये जितने भी आपने ऑर्बिटल्स देखे इनकी शेप देखी, इन सबको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दीजिए, एस पी डी एफ जो भी ऑर्बिटल्स हैं सबको सुपर इम्पोज कर देंगे तो आप पाएंगे कि एक रफली स्फेरिकल शेप आपको देखने को सामने नजर आएगी। तो इसलिए हम एटम को एक स्फेरिकल शेप का बना देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो भी सारी चीजें हमने सीखी हैं इसको समराइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं है जो हम सोचते हैं सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वी कैन नॉट डिटरमाइन बोथ द पोजिशन एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, किसी एक समय में हम दोनों चीजें एक्यूरेटली नहीं डिफाइन करेंगे तो दूसरी चीज की सर्टेनिटी को हम लूज कर देंगे। साई स्क्वायर, पी एस आई, साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी
दैट इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है न्यूक्लियस से, उनकी फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाती है। ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनल स्पेस है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। एस सब लेवल में आपको एक ऑर्बिटल देखने को मिलेगा जिसकी स्फेरिकल शेप होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यूनिफॉर्म होती है, इसलिए इसकी स्फेरिकल शेप होती है। पी सब लेवल की अगर मैं बात करूँ, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं और आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डी सब लेवल में पांच ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, क्लोवर शेप के होते हैं और एक में आपको डोनट शेप और डम्बल शेप देखने को मिलती है। एफ सब लेवल में सात ऑर्बिटल्स होते हैं और इनकी शेप कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, आप आंसर्स बाद में देख सकते हैं। एंड द फर्स्ट वन, वी कैन डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। क्या हम पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की एक साथ डिटरमाइन कर सकते हैं एक्यूरेटली, इज दिस ट्रू और फॉल्स। सेकंड वन, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ट्रू और फॉल्स। तीसरा वाला, एस सबशेल हैज वन ऑर्बिटल वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्म अराउंड द न्यूक्लियस, इज दिस ट्रू और फॉल्स। And the last one is, the orbital is a three dimensional space where the probability of finding the electron is the minimum. Is this true or false? Isko pause kijiye and your time starts now. And the answers are, I hope students ye aapko samajh aaya hoga, interesting laga hoga. Agar aapko interesting laga hai to apne doston ke sath share kariye, aur aap chahte hain main aapke liye aur aise interesting video leke aaun to subscribe kijiye aap hamare channel ko, aur saath mein notification वाला बटन दबा दीजिए जिसमें आपको जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आपको फ्रेश वीडियोस मिलेंगे जिससे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट, गुड बाय।